आज से स्टार्ट हो गई है नवरात्रि, तो आप सबको मेरी तरफ से शुभ नवरात्रि। माँ दुर्गा आप सबके लिए बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आप सबको गुड लक दे, आप सबकी सारे मैनिफेस्टेशन पूरी करे। और आज से 9 दिन तक मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड पिक करूँगी जो कि एक का गाइडेंस कार्ड होने वाला है। तो वो वीडियो के बीच में कहीं भी आ सकती है गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। और आज के वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि जो साइंस कैसे होते हैं, वो कौन से संकेत होंगे जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, क्योंकि मैं तो हाई वाइब्रेशन नहीं समझ पा रही हूँ। तो उन संकेतों के ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहला साइन है ये जानने के लिए क्या आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो उसका सबसे पहली साइन ये है कि आप ज़्यादातर प्रेजेंट में रहना सीख चुके हो। आपको कोई परवाह नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी है, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जीती हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे पास आज है, मुझे जो करना है अभी करना है, जो मेरे पास सुनहरे पल हैं वो आज हैं। तो मैं अब अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करने लगी हूँ। अगर आपकी लाइफ में आपके साथ भी यही सिचुएशन हो रही है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहने लगे हो, तो इट मीन्स ये समझ जाओ कि आप हायर वाइब्रेशन में आ चुके हो और यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, आप आजकल अपने आप में ही खुश रहने लगे हो। आपको कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लो कुछ हर्टफुल वर्ड भी कह देता है, तो आप अब उतना माइंड नहीं करते हो, बिकॉज यू नो कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगे हो, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट, एक अलग ही आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आ गई है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है और ये सबसे अच्छा साइन होता है ये जानने के लिए कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक और फाइनली आई एम ऑन द हाई वाइब्रेशन। तो आप अगर काफ़ी टाइम से हाई वाइब्रेशन में हो और हैप्पी रह रहे हो और प्रेजेंट में ही रह रही हो, तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि आप हायर वाइब्रेशन में हो। नंबर थर्ड, आप उन चीज़ों को गिनना अब भूल चुकी हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ही नहीं। आप अक्सर उन चीज़ों की गिनती करती हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। आप प्रॉपर तरीके से ग्रेटिट्यूड देना सीख गई हो, आपका नेचर एकदम काइंड हो गया है। आप दूसरों की हेल्प करती हो, बट आप एक्सपेक्ट नहीं करती हो कि कोई मेरी हेल्प करे, बिकॉज आप जानती हो कि यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर है। और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में फोकस करने लगी हो, ग्रेटिट्यूड राइटिंग करती हो, ग्रेटिट्यूड सोने से पहले ग्रेटिट्यूड देती हो, खाना खाते टाइम ग्रेटिट्यूड देती हो। अगर आपके ये दिनचर्या में शामिल हो गया है, 24 घंटे में आप ग्रेटिट्यूड देते ही रहते हो किसी न किसी चीज़ पर, इट मीन्स कि आप एक राइट ट्रैक पर हो। और ऑफकोर्स आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन तो ज़रूर से पूरी होने वाली है, क्योंकि जब आप एक हायर वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी तरफ आकर्षित करते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर गाइडेंस। तो कार्ड आया है राधा रानी का, सोल फ्लेम। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग। यही दर्शा रहा है कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है कि उसने हर्ट कर दिया और ये या वो पास्ट की सिचुएशन से कुछ भी चीज़ें, तो अपने आप को रीडिस्कवर करो और आप अपनी हारमोनी में आओ, अपने रिलेशनशिप में आओ, अपने आप को हील करो। आप खुद को हील कैसे कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड दे के आप खुद को हील कर सकते हो। तो ये था आज का नवरात्रि का day 1 की मैंने गाइडेंस। आगे आपको 9 दिन तक वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल जाएगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये number 4 point में बोल रही हूँ, अगर मैं नंबर में गलती कर दूँ तो माइंड मत करना, जो पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान करना। हाई वाइब्रेशन में हो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि एक तो आप हैप्पी मूड में रहते हो, और दूसरी चीज़ आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं। वो कुछ भी तरीके के एंजल नंबर हो सकते हैं, डबल फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रिपल फॉर्म में हो सकते हैं, कई बार 4 फॉर्म में भी होते हैं, जैसे 2222 या 222 इस तरीके से भी होता है। तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि यस, ऑफकोर्स यू एंजल्स विथ यू। आप एक हाई पाथ में हो, आप एक हाई डायरेक्शन में हो, आपके अंदर सेल्फ लव आ रहा है, आप खुद को डेवलप करने की बहुत अच्छी से कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ में यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी वाले साइन दे रहा है, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि आप हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं।
लास्ट पॉइंट है कि आप सिर्फ खुद में फोकस करते हो, आप कंप्लेनिंग और गॉसिप से आप काफ़ी दूर रहने लगे हो, आपको कोई मतलब नहीं है किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे स्ट्रेस लेनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ खुद में फोकस करना है। अगर ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर है तो आई एम से कंग्रेचुलेशन इन एडवांस, आपकी सीरियसली कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन तो ज़रूर पूरी होने वाली है, क्योंकि आप अब फाइनली अपनी हायर वाइब्रेशन में आ चुके हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आपको आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है, आप एक हायर वाइब्रेशन के नोड में आ चुके हो और आप अब कुछ भी चीज़ को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो।